तो हे गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं GPU के बारे में, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। देखो, CPU सभी ने सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन GPU बहुत ही कम रेयर केस में आपने सुना होगा। सुना भी होगा तो आप सोचते होंगे आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ रही है मेरे को, CPU है तो सही, ये मेरे सारे काम फिलहाल कर रहा है। देखो, अगर आप हाई लेवल एंड गेमिंग करोगे या वीडियो एडिटिंग करोगे तो मतलब ही नहीं है कि आप बिना GPU के अपना काम चला सकें। अब जो भी भाई बंधु हमारा वीडियो एडिटिंग के बारे में सोच रहा है और अगर वो CPU बनवाने जा रहा है तो वो यही सोच के जाएगा, या कंप्यूटर वाले से सीधा सा वो यही कहेगा कि सर मेरे को एक कंप्यूटर बना के दे दो जो नॉर्मल मेरी गेमिंग करा दे या मेरी वीडियो एडिटिंग करा दे, ठीक है ना? लेकिन आपको नहीं पता होगा, वो आपको जो भी चीज़ बना के दे देगा, अब उसको ले आओगे, लेकिन बाद में क्या होगा, एक आप बेटर गेमिंग करने की कोशिश करोगे, लाइक GTA 5 खेलने की कोशिश करोगे, क्वांटम खेलने की कोशिश करोगे, या कंट्रोल वगैरह गेम जो होते हैं इनको खेलने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लैकिंग आपका जो सिस्टम है वो करेगा। आप फिर कहोगे कि सर अरे मैंने तो इतना, मतलब 70 से 80 हज़ार रुपये डिमांडिंग कॉस्ट जो है PC बनाने वाले को दे दी, लेकिन आपने एक सबसे बड़ी जो गलती की ना, आपने की कि अपने सिस्टम के अंदर GPU इंस्टॉल नहीं कराया। अब आखिरकार GPU क्यों कराना चाहिए और आखिरकार में क्यों ऐसी खास ज़रूरत इसकी पड़ती है? देखो, जैसे आप जानते हो ना, CPU सबसे पहले बता दें CPU क्या करता है और GPU क्या करता है, APU क्या करता है। देखो, CPU बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप नॉर्मल पहले क्या होता था, जो आप कैलकुलेटर देखते हो ना, कैलकुलेटर के अंदर आपको एक तरह का CPU मिलता है, नॉर्मल आपको डिजिट वाले एक वो सिस्टम मिलता था, वो आपकी डिस्प्ले कराता था। जबकि आपका फिर बाद में आया APU, APU के अंदर VGA ग्राफिक्स दिए जाते हैं। आजकल तो APU भी काफ़ी अच्छे बेटर परफॉर्मेंस देने लगे हैं, जैसे AMD का 5600 5700G जो सीरीज आती है, वो इतने हाई लेवल के CPUs हैं जिनको हम APU कहते हैं, कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एडिटिंग और आपकी गेमिंग करा देते हैं, ठीक है ना? अब बात करते हैं कि अगर अगर GPU पे आ जाते हैं, अब सारी चीज़ खत्म करते हैं, शायद आप CPU भी समझ गए होंगे और बाद में आपको बताएंगे कौन सा ऐसा प्रोसेसर लेना चाहिए जो आपकी गेमिंग भी करा दे और आपकी सारे काम, आपके एडिटिंग कोडिंग वगैरह जितने भी होते हैं सब कुछ नहीं बचाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। देखो, GPU पहली बात तो कर लेते हैं कि GPU बनाता कौन कौन है। देखो, पहले मार्केट के अंदर दो ही खिलाड़ी थे GPU बनाने वाली, कौन कौन? AMD और आपका एनवीडिया। लेकिन अब अपना तीसरा जो प्लेयर है वो भी मार्केट में कूद चुका है, इंटेल A750 लेके और A770 लेके, दो अपने ग्राफिक कार्ड जो है लेके अपनी मार्केट में कूद चुका है, जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस में फिलहाल मिल रहे हैं AMD और एनवीडिया के अकॉर्डिंग। सबसे जो मेन प्लेयर है वो एनवीडिया है और सेकेंड प्लेयर हमारा AMD आता है और थर्ड प्लेयर हमारा फिलहाल अभी क्या है तो हम इंटेल है, क्योंकि अभी नया नया लॉन्च हुआ है तो लोगों ने बहुत कम यूज़ करना स्टार्ट किया है। अब कैसे पहचानोगे कि आखिरकार आपको GPU की नीड है? देखो, पहली चीज है, आपको हर बार यही मत सोचना कि आपको GPU की नीड होगी। आपकी कभी कभी रैम का भी कम रैम की भी जो जरूरत है वो आपकी ज्यादा होती है, लेकिन आप उसको इंस्टॉल नहीं करते, आप सोचते हो मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है। देखो, बेसिकली जैसे आजकल देख रहे हो ना, विंडो 11 आ चुकी है, 10 आ चुकी है, ये मिनिमम 4GB आपका जो सिस्टम है ये 4GB यही सपोर्ट कर जाती है। उसके बाद आपकी जो सॉफ्टवेयर अगर रन करते हैं वो अलग से चला जाता है। तो आप अगर अपने सिस्टम में पहले से ही 4GB इंस्टॉल कर रखे हो तो समझ लेना कि वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चली गई है और ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग भी आपको कुछ रैम की नीड पड़ेगी। और अगर आप उसमें गेम खेलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लैग करने वाला है। तो सबसे पहले आप अपनी रैम को जो है इंक्रीज़ करना है। रैम इंक्रीज़ करने के बाद भी अगर आपके सामने सेम प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप सोच सकते हैं एक बार ग्राफिक कार्ड के बारे में। अब ग्राफिक कार्ड कौन सा लेना चाहिए? अगर आप ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, मिनिमम ग्राफिक कार्ड आता है 710। पहले वो DDR3 में आता था, अब DDR5 में आना स्टार्ट हो चुका है 2GB। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो DDR5 में ही लेने जाएं, DDR3 भी आपको मार्केट में अवेलेबल होगा लेकिन सेम प्राइस होते हैं, तो आप बिल्कुल ना लेके DDR3, DDR5 वाला 710 आपको लेके आना है। उसकी प्रोसेसिंग उससे पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और आपको मिनिमम अगर आप एक ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हैं तो 1650 सुपर के नाम से आता है, बहुत बेहतरीन ग्राफिक कार्ड होता है, उससे बेहतरीन ग्राफिक कार्ड नहीं बना आज तक, क्योंकि आज तक मार्केट में उसके प्राइस नहीं गिरे हैं, सेम प्राइस पे आज भी वो आ रहा है। या उससे आप हैवी GPU लेके आते हैं तो 3060 ले आइए, 31,000 रुपये DDR6 प्लस 6GB 12GB अराउंड,
उसके अंदर आपको जीपीयू मिल जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक और चीज है, देखो भाई ऐसा कौन सा आप सीपीयू लें जिसमें आपकी दोनों चीजों की नीड पूरी हो जाए। लेकिन नीड तो पूरी होगी, लेकिन उस हिसाब से नीड पूरी नहीं होगी जिस हिसाब की नीड आपकी जीपीयू पूरा करेगा। अगर कर देता तो फिर एएमडी को अपने अलग से जीपीयू बनाने की नीड ही नहीं पड़ती। तो आप जैसे मार्केट में जाओगे ना, तो अगर आप एएमडी के साथ जाना, आपको कुछ ऐसे प्रोसेसर हैं जो आपको इनबिल्ट जीपीयू की सिस्टम दे देते हैं, जैसे एएमडी का 4050G, 5600G, 5700G, और आपके जो नए 7 सीरीज आ चुकी है, 7000 की जो सीरीज आ चुकी है, उसमें सभी में जितने भी हैं, जितने प्रोसेसर है, ऐसा कोई प्रोसेसर बना ही नहीं है जो सीपीयू बेस्ड हो। सारे के सारे जितने भी बेस्ड है ना, वो सारे एपीयू बेस्ड हैं। 7650 या 7750, ये सभी के सभी आपके जो एक तरह से कह सकते हैं सारे के सारे टॉप मॉडल है, अच्छे खासे मॉडल हैं, बिल्कुल लेटेस्ट हैं। और आपके कुछ एपीयूज जो हैं आपके मतलब PCIe 5 पे भी रन कर रहे हैं, और PCIe 4 पे तो रन सारे कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जीपीयू के बारे में सारी नॉलेज पता चल गई होगी। और जीपीयू यूज मेनली आपको वीडियो एडिटिंग में आता है। आप जितना अच्छा जीपीयू यूज करोगे, आप मान लो कि अच्छा खासा आप 25 से 30 हज़ार का सीपीयू चला रहे हो, लेकिन फिर भी आप अगर जीपीयू लगा लेते हो तो भाई साहब आपकी जो वीडियो एडिटिंग है ना, वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ के साथ साथ आप जब रेंडरिंग करोगे ना, बड़ी गजब की रेंडरिंग होगी, और एम्बेड करोगे तो उससे ज्यादा गजब की आपकी एम्बेडिंग होने वाली है। तो बिल्कुल आपको यूज करना है जीपीयू का। हम भी यूज करते हैं हमारी वीडियोस वगैरह जब हम एडिट करते हैं, काफी एक शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो शॉर्ट्स वगैरह में हम खास करके हमें जरूरत पड़ती है, जब हम देखते हैं रेंडरिंग करते हैं टास्क मैनेजर खोलते हैं, तो जीपीयू इतना हाई लेवल पे चला जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर बिना जीपीयू हम अगर कोई भी काम करेंगे तो शायद हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे। तो हम भी जो प्रोसेसर यूज करते हैं फिलहाल 5700G प्लस 12 3660 जो जीपीयू है उसका यूज कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 16 GB रैम आप यूज करना, प्लस आपको अगर ठीक है, चलो मैं एक अच्छी खासी आपको एक बहुत अच्छी वो बता देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, जिससे आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो। देखो सबसे पहले करना क्या है, आपको मिनिमम 16 GB की आपको रैम रखनी है DDR4 में। नया अगर आप सीपीयू बनवाने जा रहे हो तो ये चीज़ आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू द आज की डेट से लेके मैं कह रहा हूँ विद इन टू टू से अरे कौन है तो गई से अच्छे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, तो आपको मिनिमम एक 6 कोर का प्रोसेसर लेना है जो कि PCIe 4 या PCIe 3 पे वर्किंग करता हो, उससे नीचे वर्किंग करता हो वो आपको प्रोसेसर बिल्कुल यूज़ नहीं करना आज के दौर में। 16 GB की नॉर्मल आपको रैम यूज़ करनी है, ठीक है ना, DDR4 में यूज़ करनी है। लेटेस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही है DDR4 की चल रही है, तो DDR3 के साथ बिल्कुल ना जाए भाई, बहुत कम स्पीड देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2400 MHz पे दे देगा, लेकिन DDR4 की स्पीड ही 2400 MHz से स्टार्ट हो गए, 3600 से लेकर 4400 MHz तक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू मैंने बताया 6 कोर से कम का नहीं लेना है, PCIe 3 और PCIe 4 मिनिमम आपका होना चाहिए। मदरबोर्ड उसके हिसाब से ले लीजिए, कोई भी मदरबोर्ड ले लीजिए, मदरबोर्ड से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, एक SSD लेनी है। SSD आपको नॉर्मल वाली नहीं लेनी है, साटा वाली M.2 वाली SSD लेनी है, जो कि आपकी PCIe 3 या PCIe 4 पे वर्किंग करती हो। जो आपका प्रोसेसर वर्किंग करता है 3 पे करता है 3 लीजिए, 4 पे करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप 4 ही अपनी SSD भी करा लीजिए। दोनों में आजकल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुश्किल से 2 से 3 हज़ार रुपये, मतलब 400-500 रुपये का फर्क पड़ता है, ठीक है। और पावर सप्लाई आप कम से कम 650 वोल्ट आपको लेनी है, यानी कि 650 वोल्ट आपको पावर सप्लाई मिनिमम लेकर चलनी होगी। और क्या रह गया यार, एक देखो कैबिनेट तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं है कोई सी भी कैबिनेट ले लो, लेकिन अगर आप अच्छी खासी एक हाई एंड गेमिंग करते हैं तो एक बड़ा सा कैबिनेट लीजिए, ताकि आप उसमें AI वगैरह भी इंस्टॉल कर सकें। तो यही होती है GPU, आप कोई सा भी ले लीजिए, 1650 सुपर ले लो, 3060 ले लो, 2060 ले लो, और अच्छे खासे पैसे हैं तो भाई 4090 ले लो, 4080 ले लो, 4070 ले लो, 3070 ले लो, कोई भी ले लो, मतलब अराउंड 30 हज़ार के आसपास आपका GPU आना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव योर फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत से लोग GPU के बारे में ना पता हो तो उन भाइयों को भी GPU के बारे में पता चल जाए।
और जीपीयू की 3 कंपनी है, कोई सा भी जीपीयू ले लीजिए, देखो सब अपनी ओर से बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एनवीडिया ही कुछ खास बनाती है। आप एएमडी का X6600XT ले सकते हो, काफ़ी बेटर एक परफॉर्मेंस देने वाला जीपीयू आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, चलिए मिलते हैं किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ दोबारा, और देते हैं आपको दोबारा से नॉलेज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।